डी स्टूडेंट्स गार्डिंग का काल्लक बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के साथ लिंक है उसे हम बोलते हैं सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन फॉल प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स वो कौन कौन से हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब पार्ट डी ये वाकिंग वर्किंग सरफेस को डील कर रहा है सब पार्ट एफ पावर्ड प्लेटफॉर्म को डील कर रहा है मैन लिफ्ट एंड वहीकल माउंटेन वर्क प्लेटफॉर्म्स को ये डील कर रहा है सब पार्ट एफ सब पार्ट आर स्पेशल इंडस्ट्रीज़ को डील कर रहा है मेरा मकसद यहाँ पे आपको ये चीज़ों को इंडिविजुअल बताना नहीं है बल्कि ये बताना है कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो तमाम स्टैंडर्ड्स को अगर आप स्टडी करें मोनीटर करें अवेल्यूट करें एनालाइज करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर इंप्लीमेंट करें तो काफ़ी हद तक आप मशीन सेफ को कंट्रोल कर सकते हैं एग्जाम्पल यहां पर डी स्टूडेंट्स देखें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन फॉल प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स के अंदर ये देखा गया है कि पर्सनल फॉल अरेंजमेंट ये देखें ये जो शख्स है अगर इसको आप टेक्निकली देखें तो तमाम जो वीलिंग इक्विपमेंट इसको पहनने चाहिए इसने पहने हुए हैं ये बेसिकली क्यों पहने हुए हैं ताकि ये फॉल प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके ये देखें ये सब चीजें क्या हैं ये सब चीजें आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं और आपको मैंने पहले बताया था पहली स्लाइड्स में कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड किसी ना किसी हिस्से को डील कर रहा है जैसे ये देखें अब यहाँ पे जो पॉइंट है समझने वाला डी स्टूडेंट्स वो ये है कि हम लोगों ने ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको हंड्रेड हमने फॉलो करना है अगर आप उनको हंड्रेड परसेंट फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इंसान के किसी जगह से गिरने के चांसेस हैं और गिरने के बाद उसको संभलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाए फॉर एग्जांपल लेडर सेफ्टी ये देखें ये सब चीज़ें क्या हैं अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है बेसिकली यहाँ पर जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है रिकमेंड्स दॉलोइंगन इंस्पेक्टिंग अ लेडर सी इफ़ द लेडर हैज़ यू मैनुफैक्चर इंस्ट्रक्शन लेबल ऑन इट डिटर्मन वेदर द लेडर इज स्ट्रॉग एनफ रीड द लेबर स्पेसिफिकेशन अबाउट वेट कैपेसिटी एंड एप्लीकेशन लुक फॉर फॉलोइंग कंडीशन क्रैक्स ऑन साइड रेल ये सब चीज़ों का डी एसटूडेंट एक मतलब है और वो ये मतलब है कि लेडर्स के मतलब जो सीढ़ी के मतलब हमारे कवानीन है सेफ्टी के मतलब अगर वो सारे फॉलो किए गए हैं ऑटोमेटिकली वो जो लेडर है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी नुकसानदेह नहीं होगी वट टू डू आफ्टर ए फॉल अगर आप घिर जाते हैं कहीं से फॉर एग्जाम्पल दैन वट यू हैव टू डू इन दैट सिचुएशन मेक श्योर योर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फॉल रेस्क्यू प्लान इन प्लेस दैट इंक्लूड training for ट्रेनिंग फॉर in how इन हाउ टू कैरी आउट what टू डू एंड what not टू डू इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं पहले ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि एम्प्लॉय गिरे दूसरा अगर एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से गिर जाता है व्हाट उसका सलूशन ये है ऑल द एम्प्लॉय वर्किंग इन दर्गेनाइजेशन मस्ट बी ट्रेंड एनअ व्हाट दे हैव टू सिचुएशन नंबर टू प्रॉपर इक्विपमेंट ऑन साइट एंड रेडीली अवेलेबल जो इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड है जिसकी मदद से उस बंदे को रेस्क्यू किया जा सकता है वो आसानी से वहाँ पे अवेलेबल हों और सारे एम्प्लाई उसके साथ ट्रेन टू दा हों कोआर्डिनेशन विद लोकल एमरजेंसी अथॉर्टीज अगर कोई सीरियस इशू पैदा हो जाए तो जो लोकल एमरजेंसी अथॉरटीज़ हैं जैसे वन वन टू टू जैसे वह इसके अलावा अगर देखा जाए वन वन सेवन या वन वन फाइव या वन फाइव ये मुख्तलिफ एमरजेंसी कोड्स हैं जो कि पाकिस्तान में यूज हो रहे हैं अनसर्टन सिचुएशन के लिए अब यहाँ पर जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि अगर कोई अनसर्टन सिचुएशन पैदा हो जाए ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए उन अदादों के साथ जो कि इमीडिएटली आपको रेस्क्यू कर सकें कोऑर्डिनेशन विद लोकल एमरजेंसी अथॉरिटीज के बाद अगला पॉइंट है असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम एम्प्लॉज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड हो और उन्हें ये मालूम हो अनसर्टेन सिचुएशंस में क्या बिहेव करना है और क्या परफॉर्म करना है मोनिटर फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड नो वाई इट फेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन में ठीक एम्प्लॉय गिर गया क्वेश्चन ये है कि जो आपने एसओपी बनाए हुए थे उसके मुताबिक तो उसको गिरना ही नहीं चाहिए था वो गिरा क्यों ये क्वेश्चन है उसको फिर दोबारा से मॉनिटर करें इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड ोटेक्शन इक्विपमेंट फेल्स एंड टू इन्श्योर द इक्विपमेंट इज प्रॉपरली मोनिटर्ड कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस इक्विपमेंट को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया गया जिस वजह से वो प्रॉब्लम पैदा हो गई है इसको इंश्योर करने के लिए हमने इन चीजों को देखा अब अगर इसको देखा जाए तो स्टूडेंट्स तो इसका जो लास्ट एस्पेक्ट है वो ये है मोनीटर फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड नो वाई इट फेल्स वेन इंस्पेक्टिंग फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लुक फॉर दाइपल प्रॉब्लम वेल्ट स्प्लेबिंग कट्स अब यहाँ पे अगर देखा जाए डी स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केमिकल डैमेज डिस्कुलरेशन डिफॉर्म्ड हार्डवेयर लूज डिस्टॉर्टेड, ब्रोकन ग्रूम मैट्स, नॉटेड वेबिंग एंड माल फंक्शनिंग स्नैप हुक्स। ये जितनी भी चीजें मैंने आपके सामने बोली हैं ये टेक्निकल टर्म्स हैं ये बेसिकली जो मकैनिकल इंजीनियर्स हैं वो इससे फेमिलियर्स हैं हमारा मकसद इन टर्म्स को याद करना नहीं है बल्कि उनको समझना है समझना इस तरह से है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्निकली ये चीज़ें यूज हो रही हैं वो बंदा जो मकैनिकल इंजीनियर्स है वो इनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करे प्रॉपर मोनिटर करे प्रॉपर चेकिंग करे और अगर इसको मंथली सेमी एनुअली एनुअली चेक करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको बाकायदा ऑडिट हो उसकी इंस्पेक्शन हो ताकि इस किस्म की प्रॉब्लम दोबारा ऑर्गेनाइजेशन में पैदा ना हो सके